सो हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? आई होप कि सारे हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। चलिए सो स्टार्ट करते हैं हम अपना ये लर्निंग वीडियो। अभी तक जो हमने सीखा है उसके आगे हम स्टार्ट करते हैं। सो हम लोगों ने कल सेल सीखा था, एमीटर सीखा था, गैल्वेनोमीटर सीखा था। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर क्वेश्चन सेंड कर दीजिए। ठीक है, हम इसके जो है पियर्सन के क्वेश्चन है उसको सेंड कर देंगे, उसको प्रैक्टिस करके आप हमें अपना नोटबुक पे प्रैक्टिस करके आप उसे सेंड करेंगे। ओके, तो कल आपको सेंड कर दिया जाएगा और उसमें जो भी डाउट होगा फिर उसको हम क्लियर करेंगे डाउट सेशन में। सो स्टार्ट करते हैं। कल जैसे कि एक दो बच्चे बोल रहे थे कि वोल्ट मीटर को सर हम पैरेलल कनेक्ट करते हैं, मीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो गैल्वेनोमीटर को किस तरह से कनेक्ट करेंगे? तो याद रखें गैल्वेनोमीटर ही मेन होता है इक्विपमेंट, उसको ही मॉडिफाई करके हमको मन होता है तो एमीटर बना लेते हैं, मन होता है तो वोल्ट मीटर बना लेते हैं। ओके, जरूरत पड़ती है तो एमीटर में बना लेते हैं और जरूरत पड़ता है तो हम उसको वोल्ट मीटर की तरह बना सकते हैं। इसका मतलब क्या है? जब वो वोल्ट मीटर की तरह काम करेगा गैल्वेनोमीटर तो उसको पैरेलल में कनेक्ट करना होगा, और जब वो एमीटर की तरह काम करेगा तो उसको सीरीज में कनेक्ट करना होगा। तो आई होप कि आपको ये डाउट क्लियर हो गया। चलिए सो स्टार्ट करते हैं। हम एक इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल से स्टार्ट करेंगे एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ उसमें पावर किस तरह से जनरेट होता है, उसके क्वेश्चन किस तरह के होते हैं उससे पूछे क्या होगा उस पर डिस्कशन करेंगे। एंड देन सर्किटिंग हाउस होल्ड में क्या होता है, फ्यूज वायर क्या होता है, अर्थिंग क्यों होता है, इसके लिए हम बातचीत करेंगे। ओके सो स्टार्ट करते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ओके सो आई होप एक बार वीडियो चेक कर लेंगे तो हाँ सही चल रहा है। हाँ बिल्कुल सही चल रहा है। सो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल क्या होता है? जो सेल बना होता है, बैटरी आप लोग देखते हैं, टॉय में यूज करते हैं आप, घड़ी में भी होता है, मोबाइल में भी होता है, तो उसमें केमिकल रहता है। बैटरी के अंदर क्या होता है? केमिकल होता है। तो वो केमिकल जो है ना थोड़ा सा करंट फ्लो ऑफ चार्ज को अपोज करेगा। ओके सो जो मटेरियल होता है बैटरी का वो फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है थोड़ा सा, उसी अपोजिशन को हम क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ओके जो सेल जिस मटेरियल का बना होता है वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है करंट को, और इस ऑब्स्ट्रक्शन को ही इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल बोलते हैं। सो ये क्या होता है? इट इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू करेंट और फ्लो ऑफ चार्ज बाय मटेरियल ऑफ बैटरी और सेल इज नोन एज। सेल की बात करेंगे, सेल को ही आप क्या करते हो? सीरीज में कंबाइन कर देते हो, बहुत सारे सेल को आप कंबाइन करते हो तो वो बैटरी बन जाता है। सो सेल की बात करें तो इंटर सेल ही रखेंगे। सो ऑफ चार्ज इट इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू करेंट और फ्लो ऑफ चार्ज बाय मटेरियल ऑफ सेल इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ओके इसका रिप्रेजेंटेशन जो होता है, सिंबल जो होता है इसका स्मॉल आर होगा, और रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो रिप्रेजेंटेशन जो होता है इस तरह से, ये बैटरी सेल होता है और इसमें थोड़ा सा ये वाला इस तरह से, तो ये आर होता है और मान लो कि ईएमएफ है इसका। सो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन, ये स्मॉल आर। ओके सो इस तरह से ये पूरा कंप्लीटली जो है सेल को रिप्रेजेंट करता है सेल। चलिए इसमें हम बात करते हैं, अगर ये इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ अगर मान लो कि सर्किट में रहता है तो किस तरह से इस पे क्वेश्चन होगा। सो इसको याद रखेंगे। नाउ अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस को कंसीडर करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस, जब सर्किट क्लोज होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल जो होता है ईएमएफ से कम हो जाता है। ओके पीडी अक्रॉस सेल,
ओके, मान लो कि ये रेजिस्टेंस है आर और ये जो है एक बैटरी से कनेक्टेड है, सेल से कनेक्टेड है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है आर और ये है इसका ई। सो अब ये सर्किट में जब करंट देगा तो नेट आर इक्विवेलेंट इसमें सर्किट में कितना है, देखो ये दोनों सीरीज में है। सो आर इक्विवेलेंट क्या है, आर प्लस आर। सो करंट आई क्या होगा, नेट ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर प्लस आर। सो पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल और वोल्टेज, वोल्टेज प्रोवाइडेड, वोल्टेज प्रोवाइडेड बाय सेल टू सर्किट। अब देखो ये जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज इस टर्मिनल के अक्रॉस, वो पोटेंशियल डिफरेंस इस सर्किट को एक्सटर्नल लोड या रेजिस्टर है जो यहां पे, तो आर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये सेल प्रोवाइड कर रहा है। ओके, सो आर के अक्रॉस देखो तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखोगे तो सीधा जो होगा वी आर की बात करेंगे तो ये होगा आर इंटू आई, आर इंटू आई। और इसके अक्रॉस अगर बात करेंगे वी की बात करेंगे तो वी इक्वल टू हो जाएगा, वी इक्वल टू आप लिखोगे तो ये हो जाएगा आपका क्या, ई माइनस आई आर, ई माइनस आई आर। सो याद रखेंगे ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, जब सर्किट क्लोज होता है मतलब सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, क्लोज सर्किट करने का मतलब जब करंट फ्लो कर रहा है तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा अक्रॉस द सेल वो क्या होगा, उसके ईएमएफ से कम होता है, ईएमएफ से क्या है कम है। ओके, सो पोटेंशियल डिफरेंस पीडी की बात करेंगे तो क्लियरली जो है पीडी अक्रॉस टर्मिनल ऑफ सेल क्या हो गया, ये जो हो गया V की बात करें तो सिंपली दिख रहा है कि E से कम है बाय आई आर, एंड V इक्वल टू बात कर ली तो V इक्वल टू E माइनस I की बात करेंगे तो E बाय R प्लस R और इंटू R। चलो सो इसकी बात करेंगे तो E R बाय, क्योंकि E R प्लस E R इसको हम करें माइनस E R और नीचे में R प्लस R। So, ये V इक्वल टू होगा आपका ई आर बाय आर प्लस आर। ऑब्वियसली ये जो हो गया ये याद रखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल ऑफ सेल V, और यही वाला ये होगा। तो अब यहां पे देखो जो पोटेंशियल डिफरेंस सेल के अक्रॉस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस R के अक्रॉस होगा। सो वी आर इक्वल टू, वी इक्वल टू आप लिख सकते हो क्या, ER by R plus R, ये भी याद रखोगे। So I hope आपको ये समझ में आ गया। ओके, सो एक बार देख लो गौर से, एक बार रिव्यू कर लो जो अभी बताया है पांच मिनट में, उसको फिर से रिव्यू कर लो तो अच्छे समझ में आ जाएगा। और एक क्वेश्चन दे रहे हैं, चलिए इसको मिटा देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दे दिया आपको कि ये है आपका 5 ओम और ये है एक सेल जिसका 12 वोल्ट है और एक इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम का। ओके, सो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है 1 ओम है इसका, सेल का ईएमएफ जो सेल का है E equal to 12 volt, R equal to 1 ohm and external load R equal to 5 ohm. कहेगा current through R की बात करेंगे capital R और current through battery दोनों क्या होगा, same होगा, current through battery। ओके, सो यहां से जो करंट जाएगा आई वही करंट यहां पे जाएगा, वही करंट ये घूम के यहां पर आएगा।
और करंट थ्रू। करंट थ्रू इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, सबके केस में क्या होगा, आई इक्वल टू सेम करंट सबसे ट्रेवल करेगा, एक ही पाथ है ना आई के लिए। अगर पाथ अलग अलग होगा, अलग चॉइस होगा इसके पास, तो कहीं और जाएगा, दूसरे सर्किट में जा सकते हैं, इसमें तो एक ही पाथ है। तो 5 ओम के थ्रू करंट भी वही होगा, इसके थ्रू भी वही होगा, और बैटरी सेल के थ्रू भी वही होगा। तो आई इक्वल टू सीधा करेंगे तो ई बाय आर प्लस आर, ये आर का वैल्यू है, ई का वैल्यू 12, आर का वैल्यू 5 और स्मॉल आर का वैल्यू 1, 2 एम्पीयर। अगर आपसे पूछा वोल्टेज सप्लाइड बाय बाय सेल, तो वोल्टेज कितना सप्लाई करेगा, सो वी इक्वल टू ई माइनस आई आर बोल दोगे, सो वी इक्वल टू हो गया ई 12 वोल्ट है, आई का वैल्यू क्या है 2 एम्पीयर, आर का वैल्यू क्या है 1, तो ये हो गया आपका 10 वोल्ट। सो और अगर आपसे पूछा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टर, 5 ओम रेजिस्टर, सो इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टर की बात करेंगे, तो इस केस में क्या होगा, वी पीडी जो हो जाएगा वी के इक्वल ही हो जाएगा, जितना इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस उतना इसके अक्रॉस, तो ये हो जाएगा आपका 10 वोल्ट, डायरेक्टली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो इस तरह के एग्जांपल होंगे, सो इसको गौर से देख लो और नोट कर लो। अब सेल की हम बात करेंगे तो उसका दो कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, चलो ठीक है इसको हम जान लेते हैं। मान लो कि ये बहुत सारा सेल है, ओके, और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, ओके, सो इसका हम मान कर ले E1 R1 E2 R2 E3 R3, सो इक्विवेलेंट अगर मान लो इस सब को अगर हम एक ही सेल से रिप्लेस करें, सर्किट में इतने सारे सेल है, अब उसको हम इससे इसको हटा के एक ही सेल को हम रिप्लेस करना लगाना चाहते हैं जिसका पोटेंशियल डिफरेंस जो कि उतना ही वोल्टेज सप्लाई करे सर्किट में जितना कि तीनों मिलकर कर रहा है, ओके। हम क्या करेंगे, बहुत सारे सेल होंगे सर्किट में, तो आपसे कहा जाएगा कि इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ सेल की बात करेगा, जैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वैसे इक्विवेलेंट ईएमएफ की बात करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ये है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन याद रखेंगे। सो इस केस में अगर मान लो कि आपको इसको हटा के एक ही सेल लगाना पड़ा जिसका ईएमएफ ई इक्विवेलेंट है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस है आर इक्विवेलेंट, ओके, सो उस केस में ई इक्विवेलेंट जो हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड अगर ऐसा कुछ और है तो ऐसा ऐड कर देंगे। आर इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। सो इसको आप याद रखेंगे इस तरह से। इसमें ही इफ पोलैरिटी ऑफ एनी सेल इज इन रिवर्स डायरेक्शन, अब इसको हम मिटा के तो ये समझ जाओ, इस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाला रिवर्स पोलैरिटी वाला जस्ट आ रहे है। सो ये जो है जैसे कि इस पे एग्जांपल ले लिया, मान लो कि ये एक सर्किट है, एक रेजिस्टेंस दे दिया आपको, मान लेते हैं कि ये 10 ओम है, ठीक है जी, और ये जो है आपका और इसको मान लेते हैं कि
ओके सो ये मान लेते हैं हम अपना ये 2 ओम है, ये 1 ओम है, ये 3 ओम है, ये 2 ओम है, ओके सो ये हो गया आपका इसका ईएमएफ की बात करें, अगर ईएमएफ की बात करें तो 12-13-15 तो ईएमएफ की बात करें तो ये मान लो कि 18 वोल्ट, ये 12 वोल्ट और ये 6 वोल्ट है, 18 वोल्ट, 12 वोल्ट, 6 वोल्ट। सो इसमें आपसे पूछा जाएगा, एग्जांपल है, इसको हम मिटा देते हैं, ये नोट कर लो, आपसे पूछा जाएगा इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट ईएमएफ इन सर्किट, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ इन सर्किट, तो ईएमएफ की बात करेंगे तो ई इक्विवेलेंट हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3, आप सिंपली करोगे 18 प्लस 12 प्लस 6 दैट इज 36 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस इन सर्किट ऑफ ऑफ सेल, सो इस केस में आर इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 2, सो ये हो गया आपका 6 ओम। नाउ कहेगा अगर इसमें से ही पूछ देगा, देख लो चेक कर लो इसको कि दो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 10 ओम 12 ओम और तीन उसमें सेल लगा हुआ है, तीनों का ईएमएफ गिवन है आपको, इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है, सो कहेगा कि 10 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, 2 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, करंट इन सर्किट कितना होगा, या फिर कहेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ 3 ओम, ये सब बहुत सारा क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें, ओके सो इसमें अगर देखो तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, ई इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट निकाल के हमें क्या करना पड़ेगा, करंट इन सर्किट डिसाइड करना पड़ेगा। सो करंट इन सर्किट की बात करेंगे तो ये देखो ये 10 ओम है और ये जो है 2 ओम है और ये जो है इसका कितना हुआ 36 वोल्ट और ये है आपका, ये है आपका ई इक्विवेलेंट 36 वोल्ट, आर इक्विवेलेंट 6 ओम। ये तो सर्किट को हम इसी सर्किट को मॉडिफाई करके, इसी सर्किट को मॉडिफाई करके ऐसा बना सकते हैं, ठीक है। चलिए सो इसको हमने ऐसा बना लिया तो अब इसको देखो आराम से, आर इक्विवेलेंट इस सर्किट में लिखोगे तो 10 प्लस 2 प्लस 6 18 ओम हो गया और ई तो 36 वोल्ट है तो आई की बात करेंगे तो आई क्या हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ 36 डिवाइडेड बाय नेट जो है रेजिस्टेंस 18 दैट इज 2 ओम 2 एम्पियर। ओके सो सर्किट में करंट जो है 2 एम्पियर फ्लो करेगा। अब अगर आपसे पूछा कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टेंस वी 10, ओके सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टेंस की बात किया, सो अगर पूछ दिया पीडी अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टेंस, देन आप इसमें क्या करोगे, ऑब्वियसली किसी मान लो कि इसको हम मिटा देते हैं, किसी रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो R है इसका रेजिस्टेंस R ओम और I इसमें करंट है I एम्पियर, तो PD क्या हो जाता है, A है और B है, सो इस केस में वी ए बी और आप कह सकते हो वी ए माइनस वी बी। याद रखें करंट के डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, घटता है, करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस घटता है, करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करेगा, मतलब कि इधर से इधर फ्लो कर रहा है तो ये हायर होगा ये लोअर होगा, याद रखेंगे तो। जैसे पानी क्या होता है, ऊंचे ऊंचाई से पहाड़ से नीचे आता है समतल की ओर, हीट का फ्लो क्या होगा, जो हाई टेम्परेचर पे है और उसका जो गर्म है और जो ठंडा है दोनों को कनेक्ट करेंगे तो हीट जो है गर्म बॉडी से ठंडे बॉडी में ट्रांसफर होता है, वैसे करंट की बात करेंगे तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल
ये ट्रांसफर होगा, तो जिधर से जा रहा है वो हायर होगा और ये लोअर होगा। सो अगर वी ए माइनस वी बी की बात करेंगे तो ये होता है आर आई, और इसमें ही अगर वी बी ई पूछा जाता तो मतलब वी बी माइनस वी ए, तो ये हो जाता है माइनस आर आई। क्या हो जाता? माइनस आर आई। तो अगर इसके सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछ रहा है आपसे, मैग्नीट्यूड पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम, तो इसका 10 ओम है और इसे करंट कितना फ्लो कर रहा है? 2 एम्पियर। सो इस केस में वी 10 की बात करेंगे तो वी 10 जो हो जाएगा 10 × 2, दैट इज 20 वोल्ट। इसके अक्रॉस अगर पूछ दिया होता तो इसका रेजिस्टेंस 2 ओम और इससे करंट कितना फ्लो हो रहा है? 2 एम्पियर। सो यही करंट इससे भी जाएगा। सो इसके वी 2 की बात करेंगे तो 2 × 2, दैट इज 4 वोल्ट। अगर मान लो कि आपसे पूछ दिया होता, इसमें ही पूछ दिया आपसे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टेंस, तो आ गया आपको 10 × 2, दैट इज 20 वोल्ट। ओके, पीडी अक्रॉस अगर पूछ लिया होता, अक्रॉस टर्मिनल ऑफ कौन सा है? 12 वोल्ट बैटरी, 12 वोल्ट सेल। तो इस केस में 12 वोल्ट सेल के अक्रॉस देखो, तो इसके अक्रॉस क्या है? 12 वोल्ट ये है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। सो 12 वोल्ट में अगर करेंगे तो V12 की बात करें तो ये जो हो जाएगा आपका E माइनस आई आर वाला, तो ये 12 माइनस आई का वैल्यू 2 और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है इसका? 3 ओम, तो 3 पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस 6, दैट इज 6 वोल्ट। ओके, सो ये जो सर्किट में सप्लाई करेगा 6 वोल्ट करेगा। ओके, इसके क्रॉस करेंगे तो 18 माइनस आईआर करोगे तो 18 माइनस 1 × 2, दैट इज 16, और इसमें अगर देखेंगे तो ये 6 माइनस 2 × 2, तो 6 माइनस 2 × 2 4, दैट इज 6 माइनस 4 दैट इज 2, तो ये जो है 2 वोल्ट दे रहा है, ये कितना दे रहा है? 6 वोल्ट दे रहा है। ये कितना दे रहा है जी? ये कितना दे रहा है? 18 माइनस 2 16 वोल्ट दे रहा है। ओके, सो इस तरह से आप कर सकते हो। सो आई होप आपको समझ में आ गया, ये इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। एक बार पीछे रिवाइंड करो और इसको अच्छे से फिर से यहीं पे कंप्लीट करो, क्या हमने क्वेश्चन बताया है और किस तरह से हमने बताया, किस तरह से सॉल्व करना, अप्रोच करना, क्या क्या बताया। ओके, सो ये जो है इतना आपके एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं है, ये हम थोड़ा सा ऊपर चले जा रहे हैं। सो एनसीईआरटी में तो बहुत ही सिंपल वाला वी इक्वल टू आई आर वाला था, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वो कर लोगे। चलो इसमें सर हम प्रैक्टिस करवा देंगे, क्वेश्चन आपको सेंड कर देंगे कल और उसको प्रैक्टिस कर लेना। सो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के क्वेश्चन कर लिए और बाकी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आपको कल हम दे देंगे। नाउ हम बात कर लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की बात करेंगे तो मान लो कि एक एक्सटर्नल लोड है, बल्ब है या फ्रिज है या कुछ भी है, एक सेल ऐसा लगा हुआ है E1 R1 और दूसरा ऐसा लगा हुआ है, ये वाला तो 12th में आता है, हम इसको E ही रखते हैं तो ज्यादा अच्छा है, डिफरेंट कर देंगे तो वो ज्यादा हो जाएगा। ओके, 12th में आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, आपको बिल्कुल नहीं पूछेगा 10th में, कभी नहीं पूछेगा कहीं पर भी, सिर्फ ये याद रखना। सो इस केस में अगर तीनों का E है और ये R1, ये R है, ये भी R है, हम मान लें आइडेंटिकल। ओके, सो आइडेंटिकल वाला बता देते हैं, बाकी वाला जो है बाद में बताएंगे, इतना कर लोगे तो अपने बाद में। सो इस तरह से बहुत सारा सेल हो सकता है, तो इंटरनल इक्विवेलेंट ईएमएफ, इस केस में इक्विवेलेंट ईएमएफ की बात करेंगे, इक्विवेलेंट ईएमएफ जो हो जाएगा इन दिस केस, ये जो हो जाएगा ई इक्वल टू ई। ओके, एंड दूसरा R इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो R इक्विवेलेंट जो हो जाएगा R by N हो जाएगा। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सब आइडेंटिकल सेल है तो ईएमएफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसके अक्रॉस जो ईएमएफ या वोल्टेज होगा उस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो आर बाय एन हो जाएगा, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। ओके, ये बात आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सो ये बस इतना याद रखो, इसमें डिटेल में जाएंगे तो ये बहुत ही एडवांस जो है IITJEE एडवांस में आता है, इससे क्वेश्चन बहुत ही मैनिपुलेशन होता है, वो हम बाद में कराएंगे अगर इतना, क्योंकि अभी सर बता दिए तो आपके दिमाग से ऊपर चला जाएगा सर कहाँ कहाँ चले गए। सो उसको हमने बता दिया, बस इतना याद रखेंगे कि अगर आइडेंटिकल सेल इस तरह से लगा हुआ है पैरेलल में तो उसका EMF इक्विवेलेंट जो होगा किसी एक सेल के इक्विवेलेंट किसी एक सेल के EMF के इक्वल ही हो जाएगा। अगर आइडेंटिकल है तो डिफरेंट हो जाएगा, तो फिर उसके डिफरेंट फॉर्मूला होता है, किरचॉफ्स लॉ आता है, वो ट्वेल्थ में जब पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। उसके बाद ये आर 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 है तो इसमें आर इक्विवेलेंट आर बाय एन हो जाए है। ओके, हमें बस इतना याद रखना है। चलिए, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल एंड कॉम्बिनेशन की बात कर रखे। तो चलिए अब और भी बहुत सारा एलिमेंट होता है उसको हम बात करते, पावर ऑफ सर्किट या पावर, इलेक्ट्रिकल पावर की बात कर लेते, सीधी बात इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर जो होता है क्या होता है, पावर का सिंपल फॉर्मूला होता है W बाय टी, वर्क बाय टाइम। बहुत सारे बच्चे नाइन्थ में पढ़ के आएंगे आए होंगे, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। ओके, जैसे पावरफुल लोग, ओके, जैसे मुझे काम करना है, मुझे कि जैसे कि मान लो कि अगर हमारे हमें चाहिए कि हमारा अपना घर हो और उस घर के आगे एक फुटबॉल का स्टेडियम हो, तो हमारे लिए पॉसिबल है, पॉसिबल है। अगर हम एलन मस्क हो गए या प्राइम मिनिस्टर हो गए या फिर अनिल अंबानी हो गए या विराट कोहली सचिन तेंदुलकर हो गए, तब हो सकता है कि हाँ बहुत सारा पैसा आ गया तो हम वहां पे जाके अपना घर बना लेंगे और बहुत सारी जमीन खरीद के वहीं पे फुटबॉल का स्टेडियम ही बना सकते हैं। तो हम ये काम कर सकते हैं कि हमारा अपना घर होगा और जस्ट घर के सामने हमारा ही अपना फुटबॉल का स्टेडियम होगा। तो लेकिन हमें ये काम करने में हो सकता है बहुत टाइम लग जाए, जिंदगी लग जाए, 3-4 जिंदगी लग जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर अभी कोई मान लो कि अंबानी चाहेगा, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, देन वो क्या होगा, उसके लिए तो 2 दिन का काम है, मतलब 2-3 दिन का, या मान लो कि 10-20 दिन ही हो, चाहे तो इतने पैसे हैं कि आराम से 20 दिन में ऐसा कर सकता है। ओके, और हमें तो 20 जन्म भी लग सकता है, सो हम भी काम कर सकते हैं, लेकिन हम ज्यादा टाइम लेंगे भाई, 20 साल लेंगे या 20 जन्म ले लेंगे या 200 साल लेंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन वो चाहेगा तो आराम से 20 दिन में हो जाएगा। तो उसका काम करने का दर क्या है, फास्ट है, तो जो ज्यादा फास्ट करता है वो ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि वो लोग पावरफुल है तो आज जब फास्ट काम कर सकते हैं ऐसे कामों को, और हम क्या है इस मामले में पावरफुल नहीं है, समझ गए। सो पावर कहने का मतलब कि जो काम को तेज करता है, तेजी से करता है, वो ज्यादा पावरफुल। अगर आप मान लो सिंपली आप पढ़ाई अच्छा करते हो, ज्यादा मतलब कि कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करते हो, मतलब आप तेज हो अपना काम करते हो और ज्यादा पढ़ाई करते हो, तो उसके बाद क्या हो, पढ़ लिख के एक दिन बहुत बड़ा गवर्नर बनोगे, आप ही मान लो कि पॉलिसी मेकर बनाओगे, तो ऑब्वियसली पावर आ जाएगा। तो काम करने की आदत डालो, ज्यादा से ज्यादा काम कम से कम समय में करने की आदत डालो, तो उससे क्या होता है, पावर मिलता है आपको। ओके, सो आई होप ये पावर का डेफिनेशन आपको मजेदार लगा होगा। सो पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा काम अगर कम से कम समय में होता है तो ज्यादा पावर है। ओके, सो ये हो गया पावर। और ये जो है इलेक्ट्रिकल वर्क की बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल पावर जो होगा, इलेक्ट्रिकल वर्क सो डिवाइडेड बाय टाइम। इलेक्ट्रिकल वर्क आपको बताया गया होगा कि अगर मान लो कोई चार्ज है Q और वो V पोटेंशियल डिफरेंस से मूव करता है, तो उस पे वर्क किया जाता है या इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करता है Q इंटू V डिवाइडेड बाय T। सो ये पावर जो हो गया Q इंटू V डिवाइडेड बाय T, इस टर्म में भी याद रखेंगे, और पावर जो होता है इस टर्म में भी याद रखेंगे।
अब देखो एज क्यू बाय टी क्या हो गया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज करंट, क्यू बाय टी क्या हो जाता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज करंट, देन ये क्या हो जाएगा, पावर की बात करेंगे तो करंट आई इंटू वी, और आप लिख सकते हो पी इक्वल टू वी आई, क्लियर है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, पी इक्वल टू वी आई, पी इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, पी इक्वल टू क्यू वी बाई टी भी हो सकता है, ओके सो इसको याद रखेंगे हम। अब इसमें ही इसको नोट करोगे आप लोग, इसमें ही अगर हम बात करें सो ओम्स लॉ, आप जानते हो ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ जो होता है हमारा वी इक्वल टू आई आर होता है, सो यहां पे पी इक्वल टू आप वी को आई आर लिखो और यहां पे आई लिखो तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर वी, दैट मीन पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर वी हो सकता है, ओके ऑल्सो अगर आई को हम वी बाय आर भी लिख सकते हैं, आई को हम क्या है वी बाय आई आर भी लिख सकते हैं, सो आई की जगह अगर वी बाय आर पुट करेंगे एज पी इक्वल टू वी आई, सो पी इक्वल टू वी इंटू आई की जगह वी बाय आर लिख दो, सो पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, ओके तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि पावर जहां पे अगर रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस है तो पावर को वी स्क्वायर बाय आर लिखेंगे, करंट एंड रेजिस्टेंस है तो पावर को क्या लिखना है आई स्क्वायर आर लिखना है, और पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट है तो पावर को वी इंटू आई लिखना है, ओके सो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या है पोटेंशियल डिफरेंस करंट है या पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस है या करंट एंड रेजिस्टेंस है, तो तीनों के फॉर्मेट में लिख सकते हैं आप, तो तीनों पावर का फॉर्मूला है ये भी है ये भी है, और एक फंडामेंटल फॉर्मूला पावर का जो था डब्ल्यू बाई टी वो भी था, एंड डब्ल्यू इक्वल टू क्यू वी बाय टी ये भी था, तो पावर के इतने सारे फॉर्मूले होते, ऐसा यूनिट पावर का क्या होगा, ऐसा यूनिट ऑफ पावर की बात करते हैं तो ये होता है वाट, वाट सिंबल डब्ल्यू, ओके सो वाट होता है, और इसको ही हम वन वाट इक्वल टू क्या होता है देखो वर्क बाय टाइम होता है, तो वर्क का जूल होता है, वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है जूल, वन जूल बाय वन सेकेंड, तो वन जूल पर सेकेंड जो होता है वन वाट हो जाता है, ये हम याद रखेंगे वन वाट इक्वल टू वन जूल पर सेकेंड, तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, अब इतने जो कंटेंट है उसको एक बार दो बार रिवाइज कर लो, कल दो चार पांच क्वेश्चन देंगे उसको आप सॉल्व कर लेना, और फिर किसी को डाउट होगा तो हमें पूछना, तो आज का क्लास हम यहीं पे रहने देते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं एक ही क्लास में खत्म कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही आपको बोरिंग हो जाएगा, बहुत ही आपको हैक्टिक हो जाएगा, चीजें सारी चीजें क्या होगा निकल जाएगा, तो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी चीजें अपने में गेन करेंगे, तो आज हम इंटरनल रेजिस्टेंस समझ लिए, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा सर्किट में तो किस तरह से सॉल्व करना है वो समझ लिए, पावर क्या होता है पावर का चार पांच फॉर्मूला वो समझ लिए, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स समझ लिए, तो ये हमारे लिए आज काफी है, तो आज हम यहाँ पे इस वीडियो को रहने देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, चलिए फिर मिलते हैं, थैंक यू।